हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन हम बाइटी स्टूडियो यूट्यूब का बीटा उसमें हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने यूट्यूब स्टूडियो खोल लिया है जैसा कि आप देख रहे हैं, और मेरा जो चैनल है जॉन इन्फो, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर वीडियो आपको दिख रहा है। तो हमारा यूट्यूब स्टूडियो कुछ ऐसा खुलता है डैशबोर्ड। अगर हम खोलते हैं तो हम वीडियो में जाएंगे और वीडियो में यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो भी वीडियो अपलोडेड हैं YouTube पर वो हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। तो हम सेटिंग कैसे करें इसकी, तो सबसे पहले आप अगर डिस्क्रिप्शन सेट करना चाहते हैं तो आपको वीडियो सेलेक्ट करना रहेगा। तो मान लीजिए एक वीडियो सेलेक्ट किया, अगर आप पूरे वीडियो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये वाला जो बटन मैं दबा रहा हूँ, तो इस तरीके से आप पूरे सारे वीडियो एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम दो वीडियो सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए अगर पूरे करना है तो पूरे कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे आज टाइटल और डिस्क्रिप्शन की। तो टाइटल आप जानते हैं कि दोनों जो हमारे टाइटल हैं बिगनिंग में, मान लीजिए कि जो पहले मैं एक मिनट आप लोगों के लिए सारी चीज़ें बता दूं, फिर उसके बाद हम करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे ये सारे टाइटल डले हैं, जैसे कि यहाँ पर CSC लिखा हुआ है आपके सामने दिख रहा होगा पहले वीडियो में, दूसरे में एंड्रॉइड सेट टॉप बॉक्स ऐसे, तीसरे में सॉलिड, इस तरीके से ये टाइटल डले रहते हैं हमारे। हम टाइटल डालते हैं जो भी हमारा वीडियो रहता है। तो अगर आप अपने टाइटल में कुछ जोड़ना चाहते हैं वो भी सारे वीडियो में, तो आप यहाँ पर जैसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऑल सेलेक्ट ऑल कर देंगे तो हमारे सारे वीडियो सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद टाइटल में हम जो भी जोड़ेंगे ना तो वो जुड़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं सारे वीडियो में नहीं करना चाहता। मान लीजिए मैं एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ पहला वाला, और एक ये कर लेता हूँ, दो वीडियो कर लेता हूँ। अब मान लीजिए मैं टाइटल में कुछ सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर लिखा है इंसर्ट बिगिनिंग। मान लीजिए मुझे शुरुआत में कुछ लिखना है, या फिर मुझे कोई वर्ड है जो ऑलरेडी मेरे वीडियो में ऐड है और वो मैं हटाना चाहता हूँ, उसकी जगह रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर इंसर्ट करना चाहते हैं एंड में तो एंड में डाल सकते हैं। अब मान लीजिए हम बिगनिंग देख लेते हैं, और बिगनिंग में अगर हम लिखना चाहते हैं, मान लीजिए मैं जॉन लिखना चाहता हूँ, JOHN जॉन, तो यहाँ पर मैंने दो वीडियो सेलेक्ट किए थे, मान लीजिए दोनों में लिखना चाहता हूँ, तो दोनों में यहाँ पर मैंने जॉन डाल लिया यहाँ पर देखिए टाइटल में, और मैं कर देता हूँ अपडेट दोस्तों। तो अपडेट जैसे ही मैं करूँगा तो यहाँ पर देखिए जो दोनों टाइटल के शुरू में जॉन ऑटोमेटिकली लग जाएगा, देख लीजिए। थोड़ा अपडेट होने में टाइम लग रहा है। तो हम आज दो चीज़ें सीखेंगे, एक अब टाइटल और एक देख सीखेंगे डिस्क्रिप्शन। तो मैं दोनों के बारे में आपको एक बारी बारी से बताऊँगा। तो अभी अपडेट हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करते हैं दोस्तों। देखिए अपडेट हो चुका है हमारा सक्सेसफुल। तो अब हम सबसे पहले एक वीडियो जहाँ पर हमारा जो चैनल है ये दो वीडियो डले हुए थे, तो इसको हम कर देते हैं रिफ्रेश और देखते हैं टाइटल में हमारा कुछ जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। तो वेट कीजिए, देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए सामने ये दो वीडियो डले हुए हैं, इसमें दोनों में जॉन जुड़ चुका है, देख लीजिए। यहाँ पर हमें इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमें यहाँ पर सबसे पहले इसको रिफ्रेश करना रहेगा पेज को, उसके बाद ही हमारे जो दो वीडियो हैं उनमें जॉन नाम आपको दिखाई देगा। देख लीजिए अब ये दोनों में जॉन आ चुका है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर हम दोनों सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम टाइटल में एंड में कुछ डालना चाहते हैं तो एंड में आप डाल सकते हैं। ये तो हो गए टाइटल। तो टाइटल आप समझ गए होंगे किस तरीके से, आप अगर बहुत सारे वीडियो में एक ही कोई वर्ड वगैरह डालना चाहते हैं अपने सारे ऑल वीडियो में, या कोई वीडियो सिलेक्टेड वीडियो है उनमें डालना चाहते हैं, तो आप उस वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिए और अपना टाइटल उसमें जोड़ दीजिए। तो अगर अब टाइटल के बाद अब हम चलते हैं डिस्क्रिप्शन की। जो डिस्क्रिप्शन रहता है, तो डिस्क्रिप्शन आप जानते हैं डिस्क्रिप्शन किसे कहते हैं। मान लीजिए ये मेरा पहला वीडियो है और इसको मैं खोलता हूँ। खोलने के बाद जो यहाँ पर नीचे हम जो लिखते हैं डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है दोस्तों, जैसे नमस्ते कि दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर लिखा है जैसे कि CSC कॉमन सर्विस सेंटर और जॉन इन्फो, ये डिस्क्रिप्शन डला हुआ है। इसमें वैसे डिस्क्रिप्शन कुछ डला नहीं है, अभी खाली है, ज़्यादा कुछ वर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन में कुछ डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं बहुत ईजिली। तो अब हम वही सीखेंगे कि डिस्क्रिप्शन कैसे डालना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हमने दो वीडियो सेलेक्ट किए हैं और दोनों वीडियो में बता देता हूं, इसी तरह से आप ऑल वीडियो में भी कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। अब डिस्क्रिप्शन में भी वही प्रक्रिया है कि इंसर्ट बिगनिंग, आपको शुरुआत में कुछ चीज़ चाहिए डिस्क्रिप्शन के, या फिर इंसर्ट एट एंड, या फिर एंड में चाहिए दोस्तों,
और या फिर आपको रिप्लेस करना है कोई वर्ड, उसकी जगह पर दूसरा डालना है, या फिर हमारे जो डिस्क्रिप्शन में कोई चीज़ गलत डल चुकी है। मान लीजिए हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग में अपनी क्या कर लेते हैं कि डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, और वो डिस्क्रिप्शन में कोई ऐसा वर्ड होता है, या हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी डाल देते हैं, तो वो हमारे वीडियो अगर ज़्यादा होते हैं, मान लीजिए 500 600 वीडियो, हम सारी वीडियो में अगर एक एक करके रिमूव करेंगे अपना मेल आईडी, तो दिक्कत होगी, बहुत परेशानी आने वाली है आपको। तो अगर आसानी से आप यहाँ पर क्या करेंगे, रिमूव, मान लीजिए यहाँ पर अगर आपने रिमूव कर दिया, और डिस्क्रिप्शन में हम देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिखा है जॉन इन्फो, और जॉन इन्फो और हैशटैग जॉन इन्फो, याद रखें, ये देखिए हैश टैग जॉन इन्फो लिखा था, हम हैश टैग वाला ये मिटाने की कोशिश करेंगे कि हटता है या नहीं। तो सबसे पहले हम रिमूव देख लेते हैं कि रिमूव हमारा हो रहा है या नहीं है, तो हम हैज लगा देंगे, उसी तरीके से लगाएंगे। वैसे ज़्यादातर आप एक काम करें, कॉपी ही कर ले, क्योंकि कॉपी करने से बिल्कुल सेम टू सेम ही आता है, क्योंकि वो सिस्टम हमारा सेम टू सेम ही पकड़ता है। अगर कोई चीज़ मिस्टेक से स्पेस वगैरह दे दिया, तो वो किसी का कुछ डिलीट कर सकता है, तो इस वजह से आप वही वर्ड कॉपी कर लें जो डला हुआ है। अब मान लीजिए मैंने ये लिख लिया है, अब मुझे ये रिमूव करना है, रिमूव करेंगे तो सब ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, और हम कर देंगे अपडेट वीडियो, तो यहाँ पर हमने कर दिया अपडेट। दोस्तों अपडेट करने के बाद वेट करना पड़ रहेगा, क्योंकि वो तो और ज़्यादा वीडियो होंगे तो समय भी लग सकता है अपडेट होने में, और कम होंगे तो जरूर जल्दी से जल्दी हो जाएगा। मेरे दो वीडियो हैं, इस वजह से जल्दी हो जाएगा, क्योंकि दोनों में डिस्क्रिप्शन एक जैसा ही डला हुआ है। तो जहाँ पर देखिए जॉन इन्फो है, हम रिफ्रेश पेज करेंगे तो हट जाना चाहिए जो अभी हमने यहाँ पर स्टूडियो में कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा हो चुका है सक्सेसफुली अपडेटेड, तो अब सक्सेसफुली हो चुका है, तो हमारा ये जॉन इन्फो हटना चाहिए रिफ्रेश करने के बाद, क्योंकि हमने इसको हटा दिया है। तो देख लेते हैं रिफ्रेश कर कर, तो यहाँ पर देखिए मैंने कर दिया है रिफ्रेश, और यहाँ पर देखिए वो हैशटैग जो जॉन इन्फो था, हैज जॉन इन्फो, वो हट चुका है। तो इसी तरीके से आप डिस्क्रिप्शन में अगर कोई वर्ड जोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे मान लीजिए इंसर्ट कोई बिगिनिंग में करना चाहते हैं, जैसे टाइटल में बताया था, और एंड में अगर डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। और रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप वो वर्ड लिख दीजिए जिसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप अगर रिप्लेस करना नहीं समझ पा रहे हो, तो सबसे पहले आप रिमूव कर दीजिए और फिर इंसर्ट कर दीजिए, बहुत ही आसानी से। आपका डिस्क्रिप्शन कितना भी बड़ा हो, बीच में आपके डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिखा हो, वो वहीं से पकड़ लेगा और वही वाला वर्ड उठाकर डिलीट कर देगा, अगर आप रिमूव करोगे तो। इसी तरह से ऐड कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन कैसे हम एक साथ अपने सारे वीडियो में कैसे डाल सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जॉन इन्फो यूट्यूब चैनल के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।